हेलो गाइस, इस डायग्राम के थ्रू हम प्लाज्मोडियम पैरासाइट की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। प्लाज्मोडियम पैरासाइट दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ये लाइफ साइकिल ह्यूमन में दिखाई गई है और ये वाली जो स्टेजेस हैं, ये लाइफ साइकिल की स्टेजेस, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में दिखाई गई है। तो जो प्लाज्मोडियम है, ये एसेक्सुअल जो साइकिल है उस वो मैन में कंप्लीट करता है, और अपनी लाइफ साइकिल की जो सेक्सुअल फेज है वो फीमेल एनोफिलीज में कंप्लीट करता है। फर्स्ट यहां से हम स्टडी करते हैं। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, एस्पोरोजॉइट्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम विथ बाइट। यानी जब इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है जब हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तो जो उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद ये ह्यूमन की लीवर सेल्स में ब्लड के थ्रू एंटर कर जाते हैं। पैरासाइट यानी स्पोरोजॉइट्स जो इसकी स्टेज है, रीच द लीवर थ्रू ब्लड, यानी ब्लड के थ्रू ये लीवर में एंटर कर जाते हैं, और लीवर से ये ब्लड आरबीसीज में एंटर करते हैं। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स, यानी लीवर सेल्स में ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जिससे इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, इसका अमाउंट नंबर ज्यादा हो जाता है, और उसके बाद ये जो लीवर सेल्स है उसमें ब्रस्ट हो जाती है, लीवर सेल्स ब्रस्ट हो जाती है, और जो पैरासाइट है वो ब्लड में रिलीज हो जाता है। ये दिखाया हुआ है, ये स्पोरोजॉइट्स ये सेल्स में दिखाए गए हैं, और सेल्स में इनका मल्टीप्लीकेशन होता है जिससे कि सेल्स ब्रस्ट हो जाती है, और ये स्पोरोजॉइट्स ये रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। अब ब्लड में रिलीज होने के बाद ये किस में एंटर करते हैं, ये आरबीसीज में एंटर करते हैं, ये आरबीसीज में एंटर कर रहे हैं। यहां पर इसका अमाउंट ज्यादा हो गया, और इनका अमाउंट ज्यादा होने के बाद ये आरबीसीज भी रप्चर हो जाती है, जिससे कि ये रिलीज हो जाते हैं, जिससे इनके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। यानी इसकी आरबीसीज के रप्चर होने से इससे जो हीमोजॉइन सब्सटेंस निकलता है, जिससे कि डिफरेंट सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स, यानी ये जो रिलीज पैरासाइट्स होते हैं वो नए रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स में इसकी एसेक्सुअल स्टेज कंप्लीट होती है, जिसमें कि ये सेक्सुअल स्टेजेस आ जाती है गैमिटोसाइट्स, या फीमेल गैमिटोसाइट और मेल गैमिटोसाइट का फॉर्मेशन होता है आरबीसीज में। अब जब ये इन्फेक्टेड पर्सन जिसकी आरबीसीज में मेल और फीमेल गैमिटोसाइट है, तो ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को जब फीमेल एनोफिलीज जब बाइट करती है, तो ये गैमिटोसाइट, मेल और फीमेल गैमिटोसाइट उसकी जो ब्लड में एंटर कर जाते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के ब्लड में एंटर कर जाते हैं। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमिटोसाइट्स विथ ब्लड मेल, यानी ब्लड जब वो लेती है बाइट करके, तो उसके साथ ही गैमिटोसाइट भी एंटर हो जाते हैं मॉस्किटो में। गैमिटोसाइट मेल और फीमेल गैमिटोसाइट के एंटर होने से यहाँ पर मॉस्किटो की गट में, यानी एलिमेंट्री कैनाल में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एग और स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर स्पोरोज डेवलपमेंट होता है, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट्स बनते हैं, एस्केप फ्रॉम गट, यानी गट से ये बाहर निकल आते हैं स्पोरोजॉइट्स, और ये सलाइवरी ग्लैंड में, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में कलेक्ट हो जाते हैं एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, और ये मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में कलेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जब वो बाइट करती है इन्फेक्टेड किसी भी हेल्दी पर्सन को, तो ये स्पोरोजॉइट्स उसमें एंटर कर जाते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल थी प्लाज्मोडियम की, जिसमें कि सेक्सुअल साइकिल ये कंप्लीट करता है मॉस्किटो में, और एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है मैन में। इसके बाद नई दूसरी हम डिजीज पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोअन है, और ये भी एक और डिजीज है एमीबायोसिस, जिसको अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। ये भी एक प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, और इस प्रोटोजोआ का नाम है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका।
एंड अमीबा हिस्टोलाइटी का ये पैथोजन है एमीबायसिस या एमीबिक डिसेंट्री का, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड करता है। और इसके सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमन में पेन होता है, क्रैम्स, स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ये इसके सारे सिम्टम्स हैं एमीबिक डिसेंट्री के। और हाउसफ्लाई के थ्रू ये हाउसफ्लाई एक तरह से वेक्टर का काम करती है। हाउसफ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर, के मैकेनिकल कैरियर की तरह वर्क करती है एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस, फीसेस का मतलब इन जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है इन्फेक्टेड पर्सन का, उससे उस पैरासाइट को ये ट्रांसमिट करने का काम करती है। यानी जब ये ऐसी जो फ्लाई है जब इन्फेक्टेड पर्सन की फीसेस से पर बैठती है, उसके बाद ये फूड पर बैठती है, तो ये फूड प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देती है, देयर बाय कंटामिनेशन दैम, इस तरह से उनको कंटामिनेशन कर देती है। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी इसके इन्फेक्शन, इस जो डिजीज है इसके इन्फेक्शन के मेन सोर्स क्या है, फीकल मैटर के थ्रू जो कंटामिनेट फूड और ड्रिंकिंग वाटर है उसके थ्रू ये जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअन है, ये बॉडी में एंटर करता है। तो ये था अमीबिक डिसेंट्री। एक और हम डिजीज कंप्लीट कर रहे हैं, ये है एस्केरिस के थ्रू होने वाली डिजीज है एस्केरियसिस। ये एस्केरिस से होने वाली डिजीज है जो कि एक कॉमन राउंड वर्म है। एस्केरिस एक कॉमन राउंड वर्म है, ये 11th में आपने पढ़ा था एसके हेलमेंटिस में। और एक और वर्म का नाम है वूचेरेरिया जो कि एक फाइलेरियल वर्म है, और ये एक दूसरी डिजीज, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले एस्केरियसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये दोनों ही हेलमेंथिस हैं, यानी एस्केरिस एस्केरिस में आता है, विच आर नोन एज टू बी पैथोजेनिक टू मैन। एस्केरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉजेज एस्केरियसिस, यानी एस्केरिस ये इंटेस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट है जो कि एस्केरियसिस डिजीज जनरेट करता है। और इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर देता है। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस टू इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इसके जो एग है इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस में, द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसेस में इसके एग एक्सक्रीट किए जाते हैं, उसके फीसेस में इस पैरासाइट के एग होते हैं जो कि सॉइल को, वाटर को, प्लांट्स को कंटामिनेट करते हैं। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। हेल्दी पर्सन इस जो डिजीज इन्फेक्शन को एक्वायर कैसे करता है, कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा से। एक और वर्म है व्यूचेरेरिया ब्रोंकेप्टाई। ये व्यूचेरेरिया इसका जीनस और ये इसकी स्पीशीज है ब्रोंकेप्टाई। एंड व्यूचेरेरिया मेलियाई द ये एक फाइलेरियल वर्म है, कॉज ए स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन, यानी इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, यानी जिन ऑर्गन्स में ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं धीरे धीरे उसको स्लोली उसको कंटामिनेट, यानी उसको डैमेज कर देते हैं। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, यानी यूजुअली ये लोअर लिम्स जो होते हैं, यानी लोअर लिम्स का मतलब हाथ पैर, इनकी जो लिम्फेटिक वेसल्स है इनको इन्फेक्टेड करते हैं। एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटाइटिस, इस डिजीज को कहते हैं एलिफेंटाइटिस हिंदी या फाइलेरियसिस। एलिफेंटाइटिस हिंदी में कहते हैं हाथी पांव, क्योंकि इस डिजीज में जो पर्सन है उसका जो पांव है वो हाथी के जैसा हो जाता है, स्वेल हो जाता है। द जैसे हम इस
डायग्राम में देख सकते हैं, ये इसका जो लोअर लिम है यानी पैर, इसमें ये जो एक लिम है ये हाथी के पैर जैसा हो गया है। तो इस डिजीज ये किसकी वजह से होता है? वूचेरेरिया ब्रोंकेपटाई की वजह से होता है, और ये एक फाइलेरियल वर्म है और एलिफेंटाइटिस डिजीज कहते हैं इसको। इसके अलावा इसके और भी सिम्टम्स हैं, द पैथोजन जिनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड, कई बार इसमें जिनाइटल ऑर्गन्स जो अफेक्टेड होते हैं, रिजल्टिंग इन क्रॉस डिफॉर्मिटीज, यानी इसका रिजल्ट क्या होता है कि ओवरऑल डिफॉर्मिटीज होती है। डिफॉर्मिटीज का मतलब विकृत ऑर्गन्स विकृत हो जाते हैं। द पैथोजन्स आर ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, यानी इसका जो ये पैथोजन है वूचेरेरिया, ये फीमेल मॉस्किटो के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है हेल्दी पर्सन में। तो इस ये जो एलिफेंटाइटिस डिजीज है, इसका पैथोजन है वूचेरेरिया और इसका जो वेक्टर है वो है फीमेल मॉस्किटो। तो हमने आज 4 डिजीज कंप्लीट कर ली। कॉमन कोल्ड कर लिया था, कॉमन कोल्ड कर लिया, मलेरिया कर लिया, इसके अलावा हमने एस्केरियसिस कर लिया और एलिफेंटाइटिस कर लिया। नेक्स्ट हम फंजाई से होने वाली जो डिजीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।